नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कोरोना जांच के साथ घटे दैनिक मामले। कर्नाटका में 24 घंटे में 1386 संक्रमित, 3204 डिस्चार्ज, 61 की हुई मौत। कोरोना से उभरे मरीजों के लिए काल बना ब्लैक फंगस, 3491 मरीजों में से 303 की मौत। कर्नाटका में केस फेटेलिटी दर 8.6%। बीदर के शाहपुर ग्राम में अवैध शराब की बिक्री, एक महिला गिरफ्तार। 50 वर्षीय लक्ष्मी तुकैया नाम की यह महिला अवैध रूप से शराब बेचती हुई पकड़ी गई। सीपीआई मल्लामा चौबे ने आरोपी को गिरफ्तार कर मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। कर्नाटक के मैंगलोर में एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू लड़की की कराई शादी। दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के शासक बंडप्पा खाशमपुर ने मनखेली ग्राम के सीसी रोड के निर्माण के लिए 54 लाख रुपए आवंटित किए। यशपाल शर्मा जिस अभिनेता को इंटरनेशनल में लाने का श्रेय देते थे, उनके निधन के 7 दिन के भीतर दुनिया छोड़ गए। अगर क्रिकेट में मेरी किसी ने जिंदगी बनाई है, वह यूसुफ भाई ने बनाई है। दिलीप कुमार का निधन एक हफ्ते पहले 7 जुलाई को हुआ था। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का ऐलान, 31 दिसंबर तक 100% लोगों को लग जाएंगी कोरोना वैक्सीन। ऋषिकेश महिलाओं को सम्मोहित कर लाखों की ठगी करने वाला बाबा गिरफ्तार, हरियाणा में भी दर्ज है 3 केस। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी तापमान, 15 जुलाई को पीएम मोदी, 16 को प्रियंका का दौरा। डाक विभाग ने निकाली पंजाब सर्कल में विभिन्न पदों पर भर्तियां, इन पदों के लिए अभ्यर्थी डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.government.in पर नोटिफिकेशन के साथ जारी फॉर्म को भरकर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 57 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ग्वालियर सूट बूट में आया नन्हा चोर, उड़ा ले गया दूल्हे की मां का गहनों से भरा बैग। हिंदू परिवार के साथ 7 साल तक पला लड़का, आधार की मदद से मिले मुस्लिम माँ बाप, 30 जून को वापस उनके पास गया, लेकिन जिस मां ने उसे 7 साल तक पाला, वह उसका जन्मदिन मनाने के लिए 12 जुलाई को फिर नागपुर आया। दिल्ली द्वारका कोर्ट के अंदर चेंबर में चली गोलियां, एक की मौत, पुलिस ने आरोपी वकील को पकड़ा। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री शीतल व्यास और आईटी प्रभारी अर्चना पार्टी से निलंबित। कांगड़ा में बारिश का कहर, बादल फटे, नाले में बही 11 साल की नेहा, लोगों को 300 मीटर दूर मिला शव। एमपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सुबुगाहट तेज, बीजेपी एमएलए रामेश्वर ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। 2030 में चांद पर होगी हलचल और धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़, नासा की स्टडी। डोमिनिका कोर्ट ने भारत को झटका, कहा सुनवाई तभी होगी जब स्वस्थ हो जाएंगे मेहुल चोकसी। इराक नसीरिया के कोविड अस्पताल में आग लगने से 50 लोगों की मौत, सेंसर झुलसे। चीन में बड़ा हादसा, सीजी के युआन होटल ढहने से 8 लोगों की मौत, मलबे में दबे हैं 23 लोग। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।